रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही सुंदर लाइन, जब परिस्थिति अपने हाथ में ना हो तब इंतजार करना ही बेहतर होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन चौहान इस रविवार को बेहतरीन बनाने के लिए फिर एक बार नई सोच के साथ, जो बदले आपका जीवन। हर रविवार को एक नई कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले हरे भरे प्रदेश हिमाचल की। हिमाचल में एक घुड़सवार रहता था। घुड़सवारी से ही वो अपना गुजरान चलाता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन हुआ यूं कि वो घोड़ा कहीं जंगल में चला गया और गुम हो गया। सब लोग कहने लगे कि कितना बदनसीब इंसान है ये, एक ही घोड़ा था वो भी जंगल में कहीं चला गया। थोड़े दिन बाद वही घोड़ा अपने साथ दो चार और घोड़े को लेकर वापिस आया। तब लोग कहने लगे कि कितना नसीब वाला है रे, एक गया था और अपने साथ चार घोड़े को लेकर आया। थोड़े समय बाद उस घुड़सवार का एकलौता बेटा घुड़सवारी करते करते गिर गया और अपाहिज हो गया। उसका एक पैर टूट गया। लोग कहने लगे कि कितना बदनसीब है रे तू, जिस घुड़सवारी पर तू पलता था उसी से आज तेरे बेटे का पैर टूट गया। थोड़े दिन बाद अचानक उस प्रदेश में युद्ध की घोषणा हो गई और सेना में सशक्त नौजवान की जरूरत आन पड़ी। वहाँ के राजा ने ऐलान कर दिया कि राज्य में जितने भी सशक्त नौजवान हैं, उन सभी को सैन्य में भर्ती किया जाए। तब लोग कहने लगे कि अरे कितना नसीबदार है रे तू, तेरा एक बेटा ही घर में रहा और गांव के बहुत सारे नौजवानों को युद्ध के लिए सैन्य में जाना पड़ा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन में अंधेरा है तो कल उजाला जरूर रहेगा। जो होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए किसी भी विकट परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को ऐसी एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।